घटती हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं। यही आप टिकटगाड़ में देख लीजिए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरते थे, चाहे ऑक्सीजन प्लांट में दिखाई दे रहा है। जहाँ भी हमारे नदियों पर पुल की डिमांड की गई, चाहे खुरसूरामपुर बढ़ौना, 40 वर्ष से वहाँ की जनता की मांग थी बेसो नदी पर। इस वक्त हम लालगंज विधानसभा के बड़े गांव में मौजूद है और हमारे साथ में यहां के विधायक पप्पू आजाद जी मौजूद हैं, तो हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे। पप्पू आजाद जी, ये बताइए कि जैसे अभी पर्चा दाखिल हुआ तो उसमें एक चीज़ के ऊपर आजकल बहुत टिप्पणी हो रही है कि एक पार्टी के विधायक ने अपना ये दिखाया कि मेरे पास खाली जमा पूंजी जो है 14,000 रुपया है और एक गाड़ी है, तो अगर 4 दिन वो प्रचार करेगा तो 14,000 रुपये तो खाली तेलवर में खत्म हो जाएगा। देखिए, हाथी के दांत खाने वाला कुछ और होते हैं, दिखाने वाला कुछ और, वही चीज़ है उन लोगों के साथ। मैं किसी भी विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, ये चुनाव आयोग का काम है और उस पार्टी का जिन्होंने उन्हें टिकट दिया वो जानते हैं। मैं जानता हूं कि हम लोगों के बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी है खुले रूप से खुली किताब रहती है। अब बहन जी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि स्वर समाज के लोगों को हम देंगे भागीदारी, स्वर समाज के लोगों को जनता से हमारा गठबंधन है और उसी गठबंधनता के गठबंधन के द्वारा ही हम सरकार बनाएंगे। जिस तरह से वर्तमान में प्रदेश में जनता जो है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, साथ ही व्यापारी परेशान है, स्वर समाज के लोग परेशान है उनकी नीतियों से, अच्छे दिन के बहाने किस तरह से जनता को ठगने का इन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने 300 रुपया का सिलेंडर 1100 में बेचने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से 40 रुपया सरसों का तेल उन्होंने 240 में बेचने का काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों का रोजगार खत्म कर दिया। सबसे बड़ी समस्या यहाँ रोजगार की है। अगर हमारा नौजवान लड़का 50-60 हज़ार रुपया महीना पा जाता तो अपने घर का आवास भी बना लेता, शौचालय बना लेता। अगर उसका ये सब नहीं रहेगा अस्थायी रोजगार, तीन सब रहने के बाद भी वो भुखमरी की कगार पर रहेगा। मैं निवेदन करूंगा उत्तर प्रदेश की जनता के साथ साथ लालगंज की सम्मानित जनता से, जनता जनार्दन से, कि आने वाला चुनाव को आप रोजगार विकास दो मुद्दा जरूर बनाइए कि जब हमारा विकास तभी होगा जब हम रोजगार पाएंगे। अच्छा विधायक जी, आपके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि आप मौजूदा दौर में विधायक हैं लेकिन आपने लालगंज में कुछ विकास नहीं किया अपनी विधानसभा में। ये तो विरोधी कहते रहेंगे लेकिन आप चारों तरफ आप देख लीजिए, लालगंज विधानसभा के चारों कोनों से, पूर्व की 17 से हम सब विधायक हैं, 17 से पहले की सड़कें क्या हैं और 17 के बाद की क्या है। इसी बड़े गाँव में आप देख लीजिए सराय मारूक से लेकर के बड़े गाँव की 17 से पहले की रोडों की क्या स्थिति, अब क्या देख लीजिए, चमचमाती हुई सड़कें दिखाई दे रही हैं आपको। यहीं आप टिकटगाड़ में देख लीजिए, ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरते थे, चाहे ऑक्सीजन प्लांट में दिखाई दे रहा है। जहां भी हमारे नदियों पर पुल की डिमांड की गई, चाहे खुरसूरामपुर बढ़ौना, 40 वर्ष से वहां की जनता की मांग थी बेसो नदी पर, उस काम चालू हो गया। उसी तरह गनीपुर डंगराहा के गांगी नदी पर 40 वर्ष से लोगों की समस्या थी, उसको मैं चालू करा दिया। उसी तरह सिरसेड़ी में 50 साल से लोगों को मांग थी, वहां के यहां के सम्मानित जो भी पार्टी के रहे हो उस काम को नहीं शुरू कर पाए, लेकिन मैं वहां भी शुरू करा दिया। 6-6 अरब की हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए, प्रधानमंत्री सड़क योजना हम सांसद जी मिलकर के लाए, आप चले जाइए बुढ़ो बाबा से लेकर के कराकत के सीमा तक ले चले जाइए आप, यहाँ पर एकाना से बेरमा विसंबत भी होते हुए 6-6 करोड़ की सड़कें बन गई। आप वही लालगंज बाजार के साथ साथ देवगांव बाजार में एक एक हाथ के गड्ढे हुआ करते थे एक साल पहले, लेकिन आप जाके देखिए चमचमाती सड़कें, हाईवे के अब सड़कें, मोटर गाड़ी अब उस बाजार में आना शुरू करी, व्यापार हमारा ठप हो गया था, व्यापारी परेशान हो गया था, धरना दे रहा था। एक चीज और की जैसे आप लालगंज हॉस्पिटल के अंदर भी आपने कुछ पैसा दिया था, शायद मेरे ख्याल से आप ही की देखरेख में वो 100 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो हमने बनाया। अगर हिंदुस्तान में किसी को अगर झूठ बोलने का भारत रत्न मिला तो बीजेपी के नेताओं को मिला है। अरे न वहाँ के न सांसद है, न यहाँ के उनके विधायक है, न वहाँ का चेयरमैन है, तो कौन वहाँ को बना पाएगा? वहाँ पे वो टाउन एरिया में बाहर का एरिया पड़ता है हमारा सामुदायिक केंद्र लालगंज, वहां पर आप उसी स्थिति देख लीजिए और वर्तमान में देख लीजिए। 100 बेड का हॉस्पिटल में जो अवशेष धन था हमने दिलाया, वहां का ऑक्सीजन प्लांट का एक कोण हमने दिया, ब्लड बैंक की स्थापना हमने किया, ये सब चीजें हैं। अभी रेलवे भी शायद आने वाली है, रेलवे में आपने देखे होंगे कि अभी जो हमारा जो अभी बजट जब पास हुआ तो वहां के केंद्रीय मंत्री और वित्त मंत्री और रेलवे बजट उन्होंने इसको लिया ही नहीं। जब सांसद जी को मालूम हुआ कि हम विधानसभा संसद में कई बार उठाया, कई मंत्रियों से आवेदन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बजट में जब नहीं हुआ, जिन्होंने उसका अपने यहाँ के
चुनाव प्रचार को रोक करके 2 दिन के अंदर गई और उन्होंने आश्वस्त कराया और वित्त मंत्रालय की कमेटी में उनको रखा और नतीजा वक्त 3 दिन बाद उसको जो इस पैसे पर 2 अरब का पैसा उसमें आ गया। तो लेकिन नीलम सोनकर जो प्रत्याशी है विधायकी की, वो कहती है कि वो रेलवे भी हमारी सरकार ने पास किया, ये 4 लाइन भी हमारी सरकार ने पास किया। अब सांसद जी का हम व्यक्तिगत टिकोड़ी नहीं करेंगे, लेकिन जो यहाँ की सांसद रही हैं पूर्व की, उनको जनता ने देख लिया है। जब लोकसभा का चुनाव 2019 हुआ तो 2 लाख वोट से यहाँ की जनता ने हराया। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता क्या जवाब दे देगी वो उनको मालूम है। इसलिए उन्होंने हर व्यक्तिगत टिप्पणी से हटते हुए मैं कहूंगा कि काम जो हुआ है उसको आप जनता देख रही है, वो अपने कार्यकाल में नहीं करा पाई ये जनता जान रही है। ये हमारी वर्तमान सांसद लगभग कई भाषाओं के ज्ञाता है, विद्वत्ता है, इंग्लिश में जानती है कि सदन का कार्यवाही चलती है, सभी कुछ को कार्यवाही करना पड़ता है, जो अपने बुद्धि विवेक के बल पर व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से उन्होंने लाया है। आप नेट से सर्च कर सकते हैं किस डेट में पैसा स्वीकृत हुआ है। अच्छा, जैसे अभी चुनाव का माहौल आता है तो अफवाहों का बाजार गर्म चलता है, तो ऐसे में आप क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की अपनी जनता के लालगंज विधानसभा बहुत बुद्धिजीवी वर्ग, हम तो अपने लालगंज की जनता जनार्दन भगवान की भरा हुआ, और वो कभी भी इन मुद्दों पर कभी भी जाती ही नहीं है। जबकि लालगंज विधानसभा जो है यहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, उसके बाद भी लालगंज की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। न जात धर्म के किसी गाय गोबर के चक्कर में नहीं फंसती है, वो चाहती है कि हमारा लालगंज का जो भी विधायक होगा वो विकास के मुद्दे पर ही हम करेंगे, विकास के ही मुद्दे पर हम विकास ही चाहते हैं। हम भी मेरा मैं जिस परिवार से आता हूँ, ऊपर वाले बाबा साहब की कृपा से, बुद्ध भगवान की कृपा से हम लोग कोई कमी नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं कि हम अपनी जनता के जितना से जितना सेवा कर सकें उसको हम करने का प्रयास करते हैं। और कभी भी मैंने थाने की राजनीति किया नहीं, न किसी को SC ST में फंसाने की कोशिश किया, सब में मैं भाईचारा कोई किया। अगर 2 भाइयों में अगर झगड़ा भी हुआ होगा तो उस भाइयों को मैंने निवेदन किया होगा कि आपस में समझौता कर लो, लेकिन पूर्व के लोगों ने क्या किया वो जनता जान रही है, और मैं क्या किया हूँ ये जनता जान रही है, और आने वाला 7 मार्च को जनता सबको जवाब देगी। धन्यवाद। तो जैसा भी आपने देखा, हमारे साथ में पप्पू आजाद जी थे और इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही, और होना भी यही चाहिए कि जाति धर्म ये सारी चीज़ों से परे हटके आज का जो दौर है, माहौल है, इसमें शिक्षा रोजगार इन सब चीज़ों के ऊपर बात की जाए।